गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. डियर स्टूडेंट, देखिए लास्ट लेक्चर में हम एक लॉन्ग वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों एम्पियर सर्कुलर लॉ की मदद से निकाल चुके हैं. आज हम उसी एम्पियर सर्कुलर लॉ की मदद से सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और साथ में उसकी डायरेक्शन भी देखेंगे कि क्या डायरेक्शन रहेगी. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले हम ये देख लें कि सोलेनोइड होता क्या है. आपने घरों में स्प्रिंग तो ज़रूर देखे होंगे. जिस तरह की शेप स्प्रिंग की होती है, स्प्रिंग में बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं और वो उन सब सर्कुलर टर्न्स से मिलके स्प्रिंग बनता है और उस शेप को हम हेलिकल शेप भी नाम देते हैं. वही हेलिकल शेप सोलेनोइड कहलाती है. सोलेनोइड वैसे ही हेलिकल शेप का होता है और उस सोलेनोइड के हर सर्कुलर टर्न में जब करंट पास होगा तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा. वही मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा और क्या डायरेक्शन होगी. सो सोलेनोइड को अगर हम लिखें तो देखिए, सोलेनोइड इट इज ए वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स एज शोन इन फिगर. जैसा ये हमने बना रखा है इस शेप का हमारे पास सोलेनोइड होता है और स्प्रिंग भी तो ऐसा ही होता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स हैं और हर सर्कुलर टर्न्स आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है. कैसे कराया एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड? हमने कोटिंग कर दी हर टर्न पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल की. अब अगर वो आपस में टच भी करेंगे तो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहेंगे. सो ईच टर्न एंड इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स लेट एन बी दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एक यूनिट लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए एंड दीज टर्न्स आर कोटेड विद इंसुलेटिंग मटेरियल सो दैट दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड. तो हमने इंसुलेटिंग मटेरियल से उसको इंसुलेट करा दिया. अब हर टर्न में से अगर यहां से इन टर्न्स में से मैं करंट पास कराऊं तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा. वही मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है. लेट आई इज द करंट flowing through each turn and due to this current there will be a magnetic field. We have to calculate this magnetic field. इसी magnetic field को हमें calculate करना है. We have to calculate this magnetic
filled. अब देखिए आप सोलेनोइड के केस में करंट फ्लो हो रहा है, आई हमने नाम दिया और उस करंट की डायरेक्शन हमने बताई कुछ इस तरह से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, हर टर्न में से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दो रीजन में होगा, यहां दो रीजन है सोलेनोइड में, एक है इनसाइड द सोलेनोइड, एक है आउटसाइड द सोलेनोइड। लेकिन यहां इन दोनों रीजन में से आउटसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगा। कैसे बनेगा आप देखिए, सबसे पहले इसे देखिए आप, यहां हमने दो सर्कुलर कोयल्स रखी, बस इसमें बहुत ज्यादा सर्कुलर कोयल्स हैं, इनमें यहां हमने दो ही रखी हैं। सर्कुलर कोयल के केस में आप ये देख चुके हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। मैंने कहा था कि जब सर्कुलर कोयल हो तो सर्कुलर कोयल के केस में आप फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, जो थंब बनेगा वो थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। सो यहां पे मान लो कि ये एक सर्कुलर कोयल है और इस सर्कुलर कोयल में करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, ये एंड पीछे की तरफ है, ये सामने वाला है। मैं कुछ ऐसे कर देता हूं, इसको डैशेस बना देता हूं। अगर आपको कलर दिख रहा हो तो ये अंदर है पीछे वाला और ये सामने वाला। सो यहां से पीछे से आगे की तरफ करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई ये। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से तो निकलेंगी। अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो ऑब्वियसली इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी। यहां कहां से आ रही होंगी, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जाते हुए यहां जा रही हैं। ये हम आगे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं और क्लोज लूप तभी बना सकती हैं जब जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच जाए। तो ये क्लोज पाथ है, इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। तो ये हुआ, यहां भी आप देख लीजिए ये रहेगा, ये हमने एक कोयल के कारण बताया। अगर इसके साथ में हम एक दूसरी कोयल रख दें तो उस केस में क्या बनेगा आप देखिए, ये रहा, इसमें इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही क्लोज लूप्स बनाएंगी कुछ इस तरह से। यहां ऐसे, अब यहां पे आप देखिए, इसमें देखने वाली ये बात है कि इनसाइड द सर्कुलर कोयल, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और इसमें भी ये है। लेकिन आउटसाइड में आप देखिए, यहां पे डायरेक्शन इसके लिए तो अपवर्ड है और यहां पे डायरेक्शन इनवर्ड है, और यहां ये दोनों मैंने दूर दूर दिखा रखे हैं, इसमें तो बहुत नजदीक हैं आपस में, तो बहुत नजदीक होने के कारण एक की डायरेक्शन अपवर्ड इसकी डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये किस करंट के कारण, आई करंट के कारण, हर टर्न में सेम करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड हर टर्न का सेम रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम और उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट अगर कर दिया तो यहां एक्सटीरियर या आउटसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनेगा। या हम ये कह सकते हैं कि आउटसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक रहेगा,
बहुत वीक रहेगा। जीरो तब बना सकते हैं जब हम इन सर्कुलर टर्न्स को बहुत क्लोजली वाउंड करें, आपस में बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, बहुत नज़दीक नज़दीक, तो उस केस में बिल्कुल जीरो भी कर सकता है क्लोजली वाउंड केस में। अदरवाइज बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और उसको भी नियरली हम नेग्लेक्ट ही करके चलेंगे। तो आउटसाइड द सोलेनोइड हर टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड आप देख लीजिए कुछ इस तरह से है, यहां इनसाइड में जा रहा है और यहां आउटसाइड में, यहां इनसाइड में और यहां आउटसाइड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन इनसाइड में आप देखिए, इनसाइड में डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ऐड जरूर हो सकते हैं। तो आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच टर्न कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर एंड इफ सोलेनोइड इज क्लोजली वाउंड, देन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड एग्जैक्टली कैंसिल आउट ईच अदर और कंप्लीटली कैंसिल आउट आउट ईच अदर। सो आउटसाइड रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को जीरो बना दिया, ये आउटसाइड रीजन में है, इनसाइड की हम बात नहीं कर रहे हैं, इनसाइड में हमें निकालना पड़ेगा। सो यहां पे इनका जो मैग्नेटिक फील्ड था यहां कैंसिल आउट कर रहा है, लेकिन ये जो मैंने दिखाया है ये जब हम सबको मिला देंगे और मैंने कहा कि क्लोजली वाउंड नहीं है, उस केस में कुछ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में आ सकता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक रहेगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट ही करके चलेंगे, सिर्फ हम इस सोलेनोइड के इनसाइड रीजन में, और इनसाइड रीजन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, सबकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो यहां इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, और उसी नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी वैल्यू आएगी। सो देखिए इनसाइड द सोलेनोइड करंट तो हमें पता ही है हर टर्न में, हमें करंट की डायरेक्शन भी पता है। अगर सर्कुलर टर्न में हमें करंट की डायरेक्शन पता हो तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालेंगे? फिंगर्स को रोटेट कराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब बनेगा वही थंब हमें डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। यहां पे जो करंट आ रहा है वो आ रहा है पीछे से आगे की तरफ, कुछ इस तरह से करंट आ रहा है। करंट अगर ऐसे आएगा तो फिंगर्स भी हम ऐसे ही रोटेट कराएंगे, और फिंगर्स ऐसे रोटेट हुई तो थंब आया हमारा लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो ये जो थंब डायरेक्शन बता रहा है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की रहेगी। इनसाइड द सोलेनोइड, इस पूरे सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन ये थी, ये पीछे से, ये है बैक साइड और ये है फ्रंट साइड, करंट आ रहा है बैक टू फ्रंट। तो यहां जो फिंगर्स रोटेट होंगी वो ऐसे रोटेट होंगी हर टर्न के लिए। तो आप देखिए थंब की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव एक्स में रही, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी सोलेनोइड में वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस एक्स में रहेगी। सो यहां से हम सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो निकाल ही सकते हैं,
ये एक सोलेनोइड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम बैक साइड टू फ्रंट, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हैं, आउटसाइड में आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, लेकिन इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो सेम रहेगी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने निकाल दी, अब इसकी वैल्यू कितनी है वो हमें देखनी है। डायरेक्शन हमने बताई है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बताई है बाय राइट हैंड, बाय राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल से हमने डायरेक्शन बता दी, और ये डायरेक्शन एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में या सब टर्न्स के लिए एक सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहा, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल वैल्यू निकालनी है, कहां कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। वी नो दैट बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट आई इनक्लोज, ये हमारे पास एम्पियर सर्कुटल लॉ होता है। सो सबसे पहले हमने कहा था कि इस लॉ को जब हम लगाएंगे, सो सबसे पहले यहां एक एम्पीरियन लूप हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां जो एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे इस सोलेनोइड के केस में, वो हम एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। एक लॉन्ग वायर के केस में हमने सर्कुलर की थी, सर्कल भी तो 2D ही होता है, यहां रेक्टेंगुलर शेप की होगी एम्पीरियन लूप, लेकिन रेक्टेंगुलर भी 2D ही होता है। तो यहां पे हमने एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ड्रॉ की, और ये जो लेंथ है ये पॉइंट मान लीजिए पी क्यू आर एस। सो यहां ये जो पी क्यू लेंथ है इसको आप मान लीजिए एल लेंथ है, कैपिटल एल, और इसको आप, अगर ये एल लेंथ है तो ये भी एल रहेगी, इसको आप मान लीजिए इसको डी मान लीजिए आप, ये जो है हाइट या ये जो लेंथ है क्यू आर या पी एस ये है डी। तो यहां हमारे पास एक क्लोज रेक्टेंगुलर लूप बन गया है पी क्यू आर एस पी, इसीलिए यहां हमने क्लोज लाइन इंटीग्रल है, एक लाइन ऐसी जो क्लोज हो, मतलब क्लोज का मतलब अगर मैं पी से चलूं इस लाइन के साथ साथ तो पी पे ही पहुंच जाऊं, इसीलिए हमने यहां इस इंटीग्रेशन पे सर्कल लगाया है। सो यहां पे अब आप देखिए, ये जो क्लोज लूप था, एक क्लोज लूप को हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस पी। देखिए यहां मैं इसको लिख सकता हूं क्लोज लूप पी क्यू आर एस पी, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट आई इनक्लोज। यहां सबसे पहले हम इस लेफ्ट साइड को सोल्व कर लें, फिर राइट साइड को करेंगे। लेफ्ट साइड जो कि क्लोज लूप बन रहा है पी क्यू आर एस पी बी डॉट डी एल, इसे सोल्व करते हैं। इस क्लोज लूप को हम अलग अलग पार्ट्स में रिजोल्व करते हैं। पहले हम चले हैं पी से क्यू, पी टू क्यू, तो यहां हम इसको लिखेंगे पी टू क्यू और बी डॉट डी एल, यहां क्लोज नहीं लगाएंगे क्योंकि पी से क्यू क्लोज नहीं बन रहा है, लेकिन टोटल तो क्लोज बन रहा है तो टोटल पे हमने ये सर्कल लगा दिया। फिर चले क्यू से आर, तो यहां लिखेंगे प्लस क्यू टू आर बी डॉट डी एल प्लस आर टू एस बी डॉट डी एल प्लस एस टू पी और बी डॉट डी एल।
अब यहां से आप देखिए इनको सोल्व करते हैं वन बाय वन। पी क्यू की अगर हम बात करें तो इस पी क्यू लाइन सेगमेंट की लेंथ हम ऐसे ही लेंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड है। एम्पियर सर्कुलर लॉ में मैंने बताया था कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी तरफ हम इस लाइन सेगमेंट, इस लाइन करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी लेंगे। तो अगर इसकी डायरेक्शन ये आ रही है तो इस डीएल की लेंथ भी हम यही लेंगे, यही डायरेक्शन लेंगे। दोनों की डायरेक्शन सेम तो दोनों के बीच एंगल जीरो, और यहां डॉट हटाएंगे तो कोस जीरो कोस जीरो वन बनेगा। तो यहां से हमने डॉट हटा दिया और ये बना पी टू क्यू बी डी एल प्लस। यहां से जब हम डॉट हटाएंगे, पहले डॉट हटा रहे हैं फिर इंटीग्रेशन का स्टेप करेंगे, यहां क्यू टू आर, हम अगर अपवर्ड चल रहे हैं तो ये जो लेंथ है ये भी अपवर्ड होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, ये आ गई वाई एक्सिस में, दोनों में एंगल 90 डिग्री कोस 90 जीरो, तो ये भी बन गया जीरो प्लस। आर टू एस, आर टू एस जो लेंथ एलिमेंट है करंट एलिमेंट, इसमें ये तो आउटसाइड द सोलेनोइड है और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो बता के चले हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो ऐसे बन गया। बचता है फोर्थ एस टू पी। इस एस टू पी रीजन में आप देखिए, इस एस टू पी लेंथ एलिमेंट में यहां भी हम चल रहे हैं माइनस वाई में, लेकिन जो करंट फ्लो हो रहा है या सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस में। सो यहां इस डीएल और मैग्नेटिक फील्ड में भी 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का एंगल तो कोस 90 जीरो, ये भी बन गया जीरो। सिर्फ हमारे पास इस लेंथ एलिमेंट पी क्यू के कारण बचेगा और वो आ गया है पी टू क्यू बी डी एल। अब यहां से जो बी था, ये बी हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा इनसाइड द सोलेनोइड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये हमें प्रोवाइड कराएगा इनसाइड द सोलेनोइड। आप देखिए यहां पे जो सेपरेशन है लगभग लगभग सेम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और सेम डायरेक्शन है। तो जब ऐसी कंडीशन हमारे पास हो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखा था कि अगर सेम सेपरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म बोलते थे, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम नाम देते थे। यहां भी अगर ये क्लोजली वाउंड हो तो ये जो कुछ आपको कर्व पार्ट दिख रहा है ये भी खत्म होगा और एग्जैक्टली आपस में एक दूसरे से पैरेलल रहेंगी, और अगर पैरेलल हैं तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं, ये बनेगा पी टू क्यू। अब यहां जो डीएल है उसको हमें लिखना है। डीएल क्या है? डीएल इस एम्पीरियन लूप के ये जो लाइन सेगमेंट था इसकी कितनी लेंथ हम मान के चले हैं, एल लेंथ मान के चले हैं। तो यहां डीएल की जगह हम लिखेंगे एल। पी से क्यू, पी से क्यू कितनी लेंथ है, एल ही है, तो हमने लिखा कैपिटल एल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर चुके हैं, बचती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब यहां आई इनक्लोज्ड कहां, इस एम्पीरियन लूप में। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन, एल लेंथ में कितना आएगा, एन एल। सो यहां पे ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वो तो बन गया बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। भाई यहां पे पहले आप ये देखिए कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसके अंदर। अगर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिस इज इक्वल्स टू एन, एल लेंथ में कितने मिलेंगे, इन एल लेंथ तो वो आएंगे एन एल। अब एक टर्न के अंदर करंट है आई, टोटल करंट, टोटल टर्न कितने, एन एल,
तो इन एन एल टर्न्स के अंदर कितना करंट फ्लो होगा? एक टर्न का करंट था आई, टोटल करंट मिलेगा एन एल आई, कैपिटल आई मान के चले हैं। सो ये हमारे पास आई इनक्लोज आ गया है इस एम्पीरियन लूप में। तो यहां से आप लिख दीजिए म्यू नोट आई इनक्लोज की जगह एन एल आई, यहां से ये और ये दोनों को इक्वेट कराओ, दोनों को इक्वेट कराएंगे तो एल से एल कैंसिल आउट, बी इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई, और ये इनसाइड द सोलेनोइड है, इनसाइड द सोलेनोइड। और यहां पे आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नोट पे कांस्टेंट क्वांटिटी, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट क्वांटिटी, करंट आई ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी, सब क्वांटिटीज यहां कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहां कांस्टेंट ही रहेगा, और यही हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इसी कारण से हमने यहां इंटीग्रेशन से उसको बाहर रख लिया था। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन आप बता ही चुके हैं, अगर इसे आप प्लस एक्स एक्सिस का नाम दें तो डायरेक्शन आएगी एक्स कैप। सो इस तरह से आप सोलेनोइड के केस में इनसाइड और आउटसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। निकाल सकते हैं हम बायो सेवर्ट्स लॉ की मदद से भी, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में पहले उसको भी बता दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि बायो सेवर्ट्स लॉ और इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे हमने एक लॉन्ग वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था उसमें हमने बायो सेवर्ट्स लॉ की मदद से भी और एम्पियर सर्कुटर लॉ दोनों की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो बता सकूं कि बायो सेवर्ट्स लॉ की मदद से कैसे निकालेंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं कराया आज। तब तक आप इसको अच्छे से करिए, इंटरेस्टिंग है और बहुत बारीक सी बातें हैं इनमें, तो उसको करिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।